हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है और मैं आपको आज कुछ नया टॉपिक को लेके आया हूँ। मैं कर्मा टॉपिक है जो बोर्ड पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। आज मैं आपसे कर्मा के बारे में बात करूंगा। कर्म एक्चुअली होता क्या है, हमें पहले कर्म का मीनिंग समझना चाहिए। कर्म का मतलब ये होता है कि हम डे टू डे एक्टिविटीज में हम किस टाइप के काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम हम जिंदगी में करते हैं, लेकिन हमको क्या काम करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए वो हमको कर्मा से समझना पड़ेगा कि कर्मा का मीनिंग क्या है और हमें क्या चीज करना चाहिए। इसके बाद में जो है इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी ने भी कर्मा के बारे में डिस्क्राइब किया है कि इंसानों किस टाइप में कर्मा करना चाहिए, उसका क्या धर्म है। तो उससे क्या है कि पूरी चीज निकल के बाहर आई है। जिस काम के करने से सामने वाले को सुख मिले, उसको फायदा मिले और हमें भी तसल्ली मिले, हमें सेटिस्फेक्शन मिले और विन विन सिचुएशन हो, वो उस टाइप के जो कर्म होते हैं पॉजिटिव कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। तो हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे हम लोगों की मदद करें, हम बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, उनकी हम हेल्प करें, बच्चों की हम मदद करें, हम दान पुण्य करें, गरीबों की सेवा करें, ठीक है, और हम नित प्रतिदिन कोई ना कोई बढ़िया बढ़िया काम करें। तो ये सब हमारे अच्छे कर्म की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये पॉजिटिव कर्म होते हैं, गुड कर्म होते हैं। अब जो नेगेटिव कर्म होते हैं वो उस टाइप के होते हैं, जैसे हम कुछ ऊटपटांग काम करें, गलत काम करें, हम चोरी करें, चकारी करें, हम किसी को गलत कमिटमेंट दें, ठीक है, हम किसी की चीज चुरा लें, ठीक है, और हम फॉल्स कमिटमेंट वगैरह देके आगे बढ़ जाए लाइफ में, पॉलिटिक्स करें, ठीक है, हम राहों को फॉलो करें, तो ये सब नेगेटिव कर्म के अंदर में आता है, ठीक है। तो हमें क्या है कि लगातार लाइफ में पॉजिटिव काम करने चाहिए, सही काम करने चाहिए, ताकि हम लाइफ में आगे बढ़े और हमारा क्या है उद्धार हो और हमें अच्छा रहे, ठीक है। तो हमारे कर्म जब अच्छा करेंगे तो सामने वाले को भी फायदा मिलेगा, हमें भी फायदा मिलेगा, विन विन सिचुएशन होगी। अगर हम नेगेटिव कर्म करेंगे, गलत काम करेंगे, सामने वाले को नुकसान होगा और हमें भी नुकसान होगा, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कर्म है, लॉ ऑफ कर्म यही कहता है कि जैसा हम करेंगे वैसे हम भरेंगे। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा, ये पक्की बात है, ये लॉ ऑफ कर्म है, ये भगवान ने डिफाइन किया हुआ, ये कभी चेंज नहीं होता। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छा वापस रिटर्न में होकर मिलेगा हमें, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हम फ्यूचर में हमें बुरा ही मिलेगा। आप कई बार देखते हैं, कई लोग होते हैं वो सफर करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम इस जिंदगी में हमने बहुत अच्छे काम किए, शुरू से हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी बात सही होगी कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सफर करते हैं, बहुत सारी दिक्कत उनको लाइफ में आती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्मों में उन्हें अच्छे काम नहीं किए होते हैं। जब हम पिछले जन्मों में अच्छे काम नहीं करेंगे, बुरे काम करेंगे, तो उसका भुगतान हमको अगले जन्म में करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में कहा है कि हमें अच्छे काम लगातार करने चाहिए, कर्म पे फोकस हमारा रहना चाहिए और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे अगले जन्मों में हमें अच्छे फल मिलेंगे, हमें बढ़िया फायदा मिलेगा और हमें तकलीफ नहीं होगी, सफरिंग नहीं मिलेगी। तो जो भी इंसान इस जन्म में जो सफर करता है वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण सफर करता है और लाइफ में आगे परेशान रहता है। तो हमें लगातार अच्छे काम करते रहने चाहिए ताकि हमारा आगे का फ्यूचर ही बढ़िया रहे और हमें बुरे काम करने से बचना चाहिए। ये कर्मा की डेफिनेशन है और ये कर्मा मैंने आपको बताया कि कुछ अच्छे काम है, कुछ बुरे काम है, हमको उसको डिफाइन करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग समझ नहीं पाते, लाइफ में होते हैं वो समझ नहीं पाते कि हम क्या काम करें, उनको कंसल्टेशन लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए किसी ऐसे इंसान से जो कर्मा थ्योरी के बारे में जानता हो, कि कर्मा थ्योरी के बारे में अच्छे से उनको समझाए कि हर किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में कैसे काम करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमको संभल के करनी चाहिए। तो ये चीजों के बारे में जिसमें आपको बताना चाह रहा था, छोटा सा वीडियो है कर्मा के बारे में, फिर मैं आगे आपसे और भी डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।